देखो बेटा, अपना प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और प्रोनाउन की हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी अपनी। प्रोनाउन जैसे कि आपने पढ़ा है, क्या होते हैं प्रोनाउन? ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है? ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा के स्थान पर यूज कर सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन्स बोलते हैं, ठीक है? प्रोनाउन्स के आपने 8 काइंड्स पढ़े थे, जिसमें अपना पर्सनल प्रोनाउन था, डेमोन्स्ट्रेटिव था, रिलेटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और इंडेफिनेट, इंटरोगेटिव, ठीक है? इस तरीके से आपने प्रोनाउंस के 8 काइंड्स पढ़े थे और उनसे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज भी की थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर वर्ब्स पर, ठीक है बेटा? आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स हैं उनको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो मेन वर्ब बताई है इसने, देखो आपके जो बुक है उसके अकॉर्डिंग इसने वर्ब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट में इसने कहा है मेन वर्ब्स, मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब हम बोलते हैं, और जो सेकंड है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हम इनको कह सकते हैं। देखो मेन वर्ब क्या होती है, आपने टेंस में पढ़ा है, टेंस में हम हर जगह पर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यूँ लिखते थे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इस तरीके से हम लिखते थे, ठीक है? तो मेन वर्ब होती क्या है, मुख्य क्रियाएं होती है जो हम काम फिजिकली कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे एक्शन लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो हम उनको करके दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड, हम पढ़ रहे हैं, सबको दिख रहा है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि हम हंस रहे हैं और सब लोग यूं कह रहे हैं तुम पढ़ रहे हो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। जो फिजिकली हम जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन हमारे द्वारा जो किया जा रहा है, वो सभी किस में आते हैं बेटा? मेन वर्ब में, जैसे कि प्ले है, ठीक है, राइट है, रीड है, लर्न है, एक्सरसाइज है, ये सब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो बीइंग होती है, वैसे तो मतलब वर्ब है, ये क्रियाएं हैं, पर ये काम नहीं करती हैं, ठीक है? ये नहीं है कि हमारा जो काम हो रहा है उनको इसमें लिया, नहीं, वो काम नहीं होता है, वो खाली क्या करते हैं, सेंटेंसेस के सेंस को कंप्लीट करने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखू मैं ही इज अ बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है, नहीं, पर फिर भी यहाँ पर वर्ब का यूज हो रहा है, वर्ब आ रही है यहाँ पर फिर भी इज, ठीक है? तो ये ऑक्सिलरी वर्ब में आती है, जो फिजिकली नहीं होता है उसमें, एज ए वर्ब वो काम करती है, बट वो फिजिकली किसी को शो नहीं होता है कि काम हो रहा है, ठीक है? वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है कि वो चीज है, ठीक है? और देखो इसमें फिर उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब्स हैं, इसको भी इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है अपना ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। बहुत बार आप लोग सभी पढ़ चुके हैं इनको, ठीक है? और अपनी जब क्लासेस चल रही थी तो उस दौरान भी आप सभी को ये बताया गया था, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते क्या है। फिर दोबारा से डिफाइन कर देती हूँ मैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? और इंट्रांजिटिव क्या होती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो पहले से ही अपने सेंस को कंप्लीट रखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल She ate an apple. उसने एक सेब खाया, ठीक है? उसने एक सेब खाया, उसने क्या खाया? अगर मान लो मैं यहाँ एप्पल नहीं लगाऊ, ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊ, तो क्या इसका सेंस कंप्लीट होता है? ही एट, उसने खाया, ठीक है? तो क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं ना भाई, कोई भी पूछ सकता है कि उसने क्या खाया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उसने क्या खाया। तो एप्पल, अगर उसने एप्पल बोल दिया तो हमें हाँ पता चल गया इतनी सारी चीजों में उसने क्या चीज खाई है, एप्पल खाया, ठीक है? इसमें नहीं होती है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, सभी को पता है पक्षी उड़ते हैं भाई, सिंपल सी बात है। अगर यूं बोल दिया जाए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, उसके साथ इन द स्काई जोड़ दिए, तो क्या सभी यूं सोचेंगे, मान लो इन द स्काई नहीं लगाए तो क्या पक्षी, इसका मतलब ये थोड़ी होगी ग्राउंड पे उड़ते हैं, नहीं, उसका सेंस यही है पक्षी उड़ते हैं, सबको पता है कि वो आसमान में उड़ते हैं,
ठीक है, अगर हम इन द स्काई लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए तो भी हमें उसके रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें लगाना ही लगाना जरूरी। ठीक है बेटा, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उनके कंप्लीट सेंस के लिए उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, जिनमें नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट जो आपके ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी इसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें बी हैज है, बी यानी कि जैसे कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब। बी जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसमें सारी आई एन जी वाली आती है, ठीक है, और हैज और है ये कुछ सेलेक्टेड है, ये होती है होना, कोई चीज होना, ठीक है, कोई चीज है। जैसे कि आई हैव फोर पेन, मेरे पास है ना, है यानी कि बता रहा है कि वो चीजें हैं उनके पास, ठीक है। तो ये इसमें आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी में। और नेक्स्ट है मॉडल्स, आप सभी को पता है मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं मॉडल्स। हमेशा एक ही जगह एक जैसा मॉडल नहीं आ सकता है, उनके सेंटेंसेस के सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, कुड का पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं, इस तरीके से उनका यूज अलग अलग जगह पर। ओके बेटा, इसको एक बार रीड कर लेना आप लोग सभी, फिर आगे नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।